अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय जी टीवी। सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो है मिरेकल ग्लो की प्रोडक्ट्स के बारे में। इनकी तीन प्रोडक्ट्स हैं और मैंने तीनों यूज़ की हैं, मुझे तीनों इनकी प्रोडक्ट्स अच्छी लगी हैं। ठीक है, मैं आपको यूज़ करने का तरीका बता दूंगी, इसका पर्पस बता दूंगी, इसके बेनिफिट्स बता दूंगी, ताकि जिन लड़कियों ने लेना है उनको आसानी हो जाए। जो जो लड़कियां मुझे कह रही थी कि हमें यूज़ करके दिखाएं और इनके पर्पस बताएं, अंदर से किस तरह के हैं, क्या किस तरह दिखते हैं, तो मैं सारी डिटेल वीडियो बना दूंगी ताकि आप सबको आसानी हो। अच्छा जी, सबसे पहले तो इसका है 24K गोल्ड सीरम और इसका ये मास्क, ये दोनों इकट्ठे मिलते हैं, इनको इकट्ठे भी यूज़ करना है और इसको अलग भी यूज़ कर सकते हैं। इसको बेस के अंदर मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, इसको वैसे मुंह पे लगा के उसके ऊपर बेस लगा सकते हैं, इसको रात सोने से पहले एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं, सुबह मुंह धो के एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं, इसको हर तरह यूज़ कर सकते हैं। ये इतना ग्रीजी नहीं है, सिरम है लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर ग्रीजीनेस आ जाती है, जो कि ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम इसका मास्क बनाते हैं और साथ साथ गप्पे शप्पे मारते हैं और लगाते हैं। अच्छा जी, ये मास्क है, हमें एक बाउल चाहिए। ये बाउल जो जो पूछ रहे थे, मेरी अम्मी सकरदू से लाई थी मेरे लिए। अच्छा जी, हमने ये ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, दो कतरे 24K गोल्ड सीरम के लिए, ये देखिए 4 ड्रॉप्स हम इसमें ऐड करते हैं। 1, 2, 3, 4, ज़्यादा ग्लो चाहिए, 5वां। ठीक है जी, उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्किन, अगर आप लोग स्किन ऑयली है तो रोज़ वाटर ऐड कर लो, अगर ड्राई है तो योगर्ट ऐड कर लो या कच्चा दूध ऐड कर लो या हनी ऐड कर लो या जो भी आप लोग को सूट करते ऐड कर लो। मैं रोज़ वाटर के साथ इस मास्क को यूज़ करती हूँ। ये रोज़ वाटर डाला, इसको मिक्स किया, मिक्स 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 मिक्स, इसकी अच्छी तरह हमने पेस्ट बना देनी है। ये इसकी पेस्ट बन गई। ठीक है जी, अब हम अपने मुंह पे लगाते हैं इसको और फिर वापस आते हैं। हाँ जी जनाब, अभी मैंने मास्क अप्लाई कर लिया है, अब इसको मैंने तब तक अप्लाई करना है जब तक थोड़ा सा ड्राई ना हो जाए। उसके बाद अपने हाथ गीले करके सर्कुलर मोशन में हल्का हल्का मसाज करना है और इस मास्क को उतार लेना है। अगर आप लोगों के ब्लैक हेड्स हैं तो पेन लेके मास्क के बाद पोर्स खुल जाएंगे, पेन लेके ब्लैक हेड्स रिमूव कर लीजिएगा, उसके बाद कोई भी टोनर लगा लीजिएगा या रोज़ वाटर का स्प्रे कर लीजिएगा। अब बारी आती है इनके ऑयल की, ऑयल मैं आप लोग को यूज़ करूँगी, उसके बाद नहा के आप लोग को अपनी जुल्फ़ें भी दिखाऊंगी। ये मेरी बहन ने भी यूज़ किया, आमना परवेज इफ़ यू आर वॉचिंग दिस तो नीचे कमेंट कर देना कि तुमने यूज़ किया, अपना रिव्यू भी बता देना। सबसे पहले तो मेरी बहन कमेंट करेगी कि मेरा सूट उतारो क्योंकि मैंने उसका पहना हुआ है। ठीक है जी, अब हम ऑयलिंग करते हैं, अपनी जुल्फ़ें खोलते हैं। अच्छा जी, तो जनाब अब मैंने ऑयलिंग भी कर ली है और मास्क भी अप्लाई कर लिया है। ऑयलिंग करते वक्त नीचे बालों पे इधर ज़्यादा फोकस किया करें और इधर ज़्यादा फोकस किया करें, हल्के हाथों के साथ मसाज किया करें एक पॉइंट पे, ताकि एक पॉइंट से सर्कुलेशन ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और अब हम ये छोटू सा क्लिप लगा लेते हैं। ठीक है जी, अब मैं इंतज़ार करती हूँ इस मास्क को उतारने का, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी जनाब, तो अब मैंने नहा लिया है और अपने बाल मैंने हल्के से ब्लो ड्रायर कर लिए हैं, विदाउट स्ट्रेटनिंग है, ये आप लोग देख सकते हैं रिजल्ट्स। उसके बाद लास्ट स्टेप जो मैंने मुंह पे किया है जिसकी वजह से ग्लो आ रही है, मैंने इनका ये 24K गोल्ड सीरम को लेके एज अ मॉइस्चराइजर थोड़ा सा अप्लाई किया है, जिसकी वजह से मुँह पर ग्लो आ रही है, क्योंकि सर्दी में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, मॉइस्चराइजर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है जी, अब जिन्होंने ये प्रोडक्ट्स लेनी है और जो लोग सोच रहे थे लेने के लिए, उनके लिए आसान हो गया होगा क्योंकि सारा कुछ मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया है, किस तरह यूज़ करना है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं और किस तरह इनको यूज़ किया जा सकता है, किन तरीकों के साथ। इनकी डील भी है, अगर थ्री का बॉक्स लेना है तो डील है, अगर अलग अलग लेना है अलग अलग भी ले सकते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है जी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी और पता चल गया होगा कि प्रोडक्ट्स किस तरह यूज़ करने हैं। ओके जी, अल्लाह नेगेबान।